हेलो नमस्कार। तेलुगु मूवी आजकल ऐसा लगता है कि तेलुगु मूवी का ही कहना है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, पैन इंडिया मूवी खास करके, तो वो ज़्यादातर तेलुगु इंडस्ट्री से ही रहती है। और एक गारंटी सी भी हो जाती है कि तेलुगु इंडस्ट्री से अगर कोई पैन इंडिया मूवी आ रही है ना, तो उसमें कोई दमखम होगा और तभी पैन इंडिया मूवी जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम तेलुगु की खुद की मूवीज़ की बात करें, यानी कि जो पैन इंडिया मूवीज़ नहीं है, वो भी तेलुगु मार्केट में कभी अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी थोड़ा सा छूट जाती है। द वॉरियर, राम बोधी मेनी की लेटेस्ट मूवी द वॉरियर रिलीज हुई है। मूवी का क्या बॉक्स ऑफिस अपडेट्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताना होगा। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवी का डे वन का कलेक्शन 7.2 लाख, ज़बरदस्त इनक्रेडिबल कलेक्शन था। सेकेंड डे में मूवी ने ज़्यादा ड्रॉप लिया, 2.3 करोड़। डे थ्री में थोड़ा सा मूवी ने उठने की कोशिश की और 2.41 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन संडे में मूवी के कलेक्शन में फिर से इंक्रीज देखने को मिला और मूवी ने 2.86 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी तक का टोटल कलेक्शन है 14.59 करोड़ का और ग्रॉस कलेक्शन है 22.45 करोड़ का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, कर्नाटक और रेस्ट ऑफ इंडिया 80 लाख, ओवरसीज 55 लाख, तमिल 82 लाख, टोटल वर्ल्ड वाइड 16.76 करोड़ और क्रॉस कलेक्शन 28 करोड़। डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलता है 8.42 लाख का और क्रॉस कलेक्शन था 12.20 करोड़। डे टू में कलेक्शन था 2.63 लाख और क्रॉस था 4.65 लाख। डे थ्री में कलेक्शन था 2.80 लाख का और क्रॉस कलेक्शन था 5.05 लाख का। डे फोर में कलेक्शन था 3.31 लाख का और टोटल कलेक्शन क्रॉस कलेक्शन था 6.10 लाख का। अभी तक की अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो मूवी का जो ब्रेक इवन टारगेट है वो है 35 करोड़। और अगर हम अभी भी कलेक्शन की बात करें तो मूवी को अगर हिट होना है तो मूवी को 19.06 करोड़ का कलेक्शन करना होगा बॉक्स ऑफिस में। तो वेल, मूवी क्या ये कलेक्शन कर पाएगी वो मुझे अभी काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो मूवी जो है अभी बिलो एवरेज ही चल रही है। वेल, आपको क्या है कहना आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।